अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहे तालिबान ने रविवार तड़के नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर भी अपनी हुकूमत कायम कर ली है। न्यूज़ एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक जलालाबाद के लोगों ने बताया कि रविवार सुबह जब वे जागे तो देखा कि पूरे शहर में तालिबान के झंडे लहरा रहे थे और यहां कब्जा करने के लिए उन्हें जंग भी नहीं लड़नी पड़ी। अफगानिस्तान की सरकारी मीडिया के मुताबिक काबुल के कई इलाकों में गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और तालिबानी लड़ाके अब काबुल शहर में घुस रहे हैं। तालिबान ने बगराम एयरपोर्ट को भी घेर लिया है। वहीं तालिबान लड़ाकों का दावा है कि उन्होंने काबुल के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो जंग लड़े या सरेंडर कर दे। इस बीच सूत्रों से यह बात सामने आ रही है कि राष्ट्रपति पर अमेरिका लगातार इस्तीफा देने का दबाव बना रहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति एक शांति योजना पर काम कर रहे हैं, हालांकि इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि अंतरिम सरकार बनाई जा सकती है जिसमें तालिबान के नियंत्रण वाले प्रांतों को उसके कब्जे में रहने दिया जा सकता है। इससे पहले तालिबान ने शनिवार को अफगानिस्तान सरकार और सेना के सबसे मजबूत गढ़ मजार शरीफ पर कब्जा कर लिया था। कहा जा रहा है कि मजार शरीफ तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, तो अब काबुल को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है। तालिबान अफगानिस्तान के 34 में से 21 प्रांतों पर अब तब तक कब्जा कर चुका है।